नमस्कार, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, सीनियर साइंटिस्ट मौसम केंद्र भोपाल। जैसा हमने पिछले 24 घंटों के दौरान बताया था, मानसून ट्रफ लाइन अभी भी उत्तर मध्य भारत से गुजर रही है। साथ में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती घेरा सक्रिय था जो निम्न दाब क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका था। और उसी के चलते हुए शिवपुर कला में सबसे ज़्यादा विजयपुर तहसील में 115 मिलीमीटर, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में उमरिया जिले में बिलासपुर तहसील में सबसे ज़्यादा 82 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि शेष क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा, जबकि अधिकांश जगहों पर हल्की वर्षा का दौर जारी रहा। अभी फिलहाल आप सैटेलाइट इमेजरी में देख सकते हैं उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और पूर्वी मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में गरज चमक और वज्रपात की गतिविधियों के साथ हल्के से मध्यम वर्षा का दौर जारी है, जबकि कहीं कहीं पे जहां पे आप रेड और येलो पैचेस देख सकते हैं वहां पे भारी वर्षा का दौर भी हो सकता है। साथ में अभी आप उड़ीसा के आसपास देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इंटेंस क्लाउडीनेस है, जो सिस्टम था वो डिप्रेशन में बदल चुका है। अगर आप जो आज हमने प्रेस रिलीज जारी की वहाँ पे देखें तो ये डिप्रेशन है, ये पश्चिम उत्तर बंगाल की खाड़ी के आसपास सक्रिय है और ये अगले 24-48 घंटों के दौरान और अधिक प्रभावशाली होकर डीप डिप्रेशन में बदलेगा और उसके साथ साथ ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच से भारतीय तटरेखा को पार करेगा। जबकि मानसून ट्रफ लाइन जो आप येलो कलर में देख सकते हैं ये दमोह, बीकानेर और इस डिप्रेशन के सेंटर से होकर गुजर रही, मतलब लगभग मध्य प्रदेश के बीचों बीच से, साथ में राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती घेरा है। और इन सभी परिस्थितियों के चलते हुए आगामी 5 से 6 दिनों के अंदर मध्य प्रदेश के अधिकांश जगहों पर भारी वर्षा, जबकि कहीं कहीं पर अति भारी वर्षा या उससे भी ज़्यादा वर्षा देखने को मिल सकती है। अगर आप मैप में वार्निंग मैप्स की बात करें तो 8 सितंबर को माने आज जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग के कुछ जिलों में मध्यम से भारी वर्षा, जिसमें डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, मैहर, पन्ना, महुगंज, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, पांडुना और सिवनी, जबकि पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश में सिवनी, शिवपुर कला, शिवपुरी, मुरैना, नीमच, मंदसौर जिलों में भी मध्यम से भारी वर्षा आज रहेगी। कल से बारिश की गतिविधियां इस डिप्रेशन सिस्टम पर पड़ेगी। कई जिलों पर हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है, जैसे बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर में कल अति भारी वर्षा, जबकि इनसे लगे हुए लगभग सभी जिलों में भारी वर्षा, जिसमें शहडोल, उमरिया, कटनी, मैहर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुना, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं शिवपुर कला, शिवपुरी, अशोकनगर, नीमच, रतलाम, झाबुआ, देवास, सीहोर और हरदा बुरहानपुर जिलों में भी मध्यम से भारी वर्षा कल देखने को मिल सकती है। जैसे ये सिस्टम पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ेगा ये झारखंड और छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश के जो उत्तरी हिस्से उनको प्रभावित करना शुरू करेगा। 10 सितंबर को सिस्टम जब पास आ जाएगा तो यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट की जो डिस्ट्रिक्ट्स आप देख सकते हैं अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, कटनी, मैहर, पन्ना में अति भारी वर्षा, जबकि लगभग पूर्वी मध्य प्रदेश में यानी जबलपुर, सागर, रीवा और शहडोल संभाग के सभी जिलों में मध्यम से भारी वर्षा का दौर 9, 10 और 11 सितंबर को देखने को मिलेगा। जबकि इससे लगे हुए दूसरे जिले जिसमें भोपाल और नर्मदापुरम संभाग के जिले और कुछ जिले उज्जैन संभाग के शामिल है वहाँ पर मध्यम से भारी वर्षा का दौर देखने को मिल सकता है। ये सिस्टम और कमजोर होते हुए 11 सितंबर को और अंदर आएगा और उसी के चलते हुए सागर और भोपाल संभाग 11 और 12 सितंबर को ऑरेंज अलर्ट में रहेंगे, जिसमें रायसेन, विदिशा, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, भोपाल, सीहोर, नर्मदापुरम और राजगढ़ के कुछ हिस्सों में अति भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, जबकि प्रदेश के लगभग सभी हिस्से इंदौर संभाग को छोड़ के मध्यम से भारी वर्षा के प्रभाव में रहेंगे। 12 सितंबर को सिस्टम और अंदर आने के जो उज्जैन और भोपाल संभाग है वहाँ पे मेनली वर्षा की गतिविधियाँ रहेंगी, साथ में ग्वालियर संभाग में भी, चंबल संभाग में कहीं कहीं पे मध्यम से भारी वर्षा देखने को मिल सकते हैं। ये सिस्टम 12 सितंबर के आसपास थोड़ा कमजोर हो जाएगा और इसी के चलते हुए 13 और 14 सितंबर को वर्षा की गतिविधियाँ जारी रहेंगी, लेकिन ऑरेंज अलर्ट नहीं रहेगा, कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा का दौर ये 14 सितंबर तक जारी रहेगा।